मामा ने घर से सबको बैठा के समझाया मामा शेरों में शेड नहीं बनना, ध्यान से मौसम रहना है तूने। मामा ने कहा शेरों में शेड नहीं बनना तुम लोगों ने। तीन शेर आए, एक शेर उड़ जाएगा, चार शेर हो जाएंगे। इधर के शेरों की जितनी सेहत है ना उससे ज्यादा मेरी है। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का जो व्लॉग है वो बहुत मजे का होने लगा है और हम सब जो है वो जा रहे हैं सफारी जू और ये सारे तैयार हैं यहाँ पे। मौजम, हारिस और मिनाहिल और रेहान भाई जा रहे हैं हम लोग, तो बहुत मजे का व्लॉग होने लगा है। आप लोगों ने एंड तक लाजमी देखना है और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो लाइक कर दें और शेयर कर दें। अब हम लोग चलते हैं नीचे गाड़ी में और अभी हमने मिनाल के घर जाना है। आ रही हूँ, अब मिनाल के घर जा रहे हैं हम लोग, तो वहाँ से उनको पिक करते हैं और फिर चलते हैं सीधा सफारी जू। मुस्तफ़ा, सो गाइस ये हमारे पास आ चुका है बच्चा, रेहान भाई वगैरह दूसरी गाड़ी में है। मुस्तफ़ा ही तो देखो कौन अच्छा लग रहा है, मैं अच्छी लग रही हूँ बिस्मा खाला, उसने इग्नोर कर दिया। मुस्तफा बता दो, बोलो हारिस मामू, मुस्तफा हारिस मामू ये देखो ना बाबू, इनको बता रहे सबको कि सुबह प्लान कितने बजे का था। नहीं मैं नहीं बताती ऐसी बातें, और टाइम देखो अभी 3:30 हो रहे हैं। बिस्मा और मैंने हमने रात को कैंसिल कर दिया था, हमने ये प्लान बनाया था कि हम लोग शाम को जाएंगे ताकि धूप थोड़ी कम हो जाए। अभी आप बाहर धूप देखें बहुत गर्मी है और ना हारिस की गाड़ी का एसी काम कर रहा है। 6 बजे बंद होगा और गाइस अभी टाइम हो गया है 4 बज गए हैं। मुस्तफा बाय बाय कर दो। सो गाइस अब हम लोग आपको वहाँ पे पहुँच के फिर मिलते हैं। सो गाइस हम लोग जो हैं वो पहुँच चुके हैं सफारी जू, लेकिन सफारी जू के जो हालात हैं वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। ये आप हालात देख सकते हैं, ये लाइनें लगी हैं, ये एग्जिट है और वो जो है एंट्री की लाइनें हैं। हम लोगों ने गाड़ी पीछे लगा दी है और अब हमारा ये मूड है कि अंदर अगर लाइनें लगी हुई टिकट लेने वाली जगह पे तो हम लोगों ने अंदर नहीं जाना, इससे आगे हमारा सफर नहीं हो सकता। सो गाइस कौन सी पार्टी वो आ गई है। सो गाइस अब हम लोग टिकट पॉइंट पे पहुंच चुके हैं और यहाँ के हालात आप देख सकते हैं कि क्या है। अभी हम लोग अंदर नहीं गए, अंदर जाने की हिम्मत है नहीं ना है। रेहान भाई सोच लें अंदर जाने जाना है, वो कह रहे जाना जाना बाल मेरा हाल है यार, हाँ हाँ उससे ज्यादा। चलते हैं फिर अंदर, अब देखते हैं क्या लाते हैं। हम लोग स्क्रीन पे सारा कुछ देख लिया, रेहान भाई देख तो लिया, चले वापस चलते हैं। हम घर से दिन बना के आए हैं, पैसे खर्च नहीं आए। तो गाइस अब हम लोग टिकट बाय कर लें उसके बाद आपको अंदर जाके मिलते हैं। सो गाइस फाइनली हमें एंट्री मिल चुकी है, इतना टाइम नहीं लगा है ना लेने में, तो हाँ वहाँ पे बहुत टाइम लगेगा। अब हमें रश आप देख सकते हैं कि क्या है, ऐसे लग रहा है सारी ये मामले हो किधर ही आ, किधर ही आ गई है। और आई भी ओह मैं कुछ और कहने लगी थी फिर मैं रुक गई हूँ वैसे ही। क्या किस चीज़ में? हाँ बहुत, लेकिन मौसम तो वैसी नहीं है जैसे जून जुलाई में होती है, अभी ठीक हो जाएगा। अभी तो गर्मी तो नहीं है, सब्र करो अभी लगेगा पता। कहाँ पे आई हूँ? अंदर से यहाँ पे रश देखे रेहान भाई, कहाँ से लेनी है अब? उधर लेनी है अब, जंगल सफारी है ये। हाँ तो वही ना, ऐसे इधर ही है सारे, ऐसे ही है ये, जैसे हम लोग वो राना रिसोर्ट नहीं जाते वैसे ही है। तो चलो अब दूसरा मिशन, झूले भी लेंगे हम लोग लास्ट में लेंगे, पहले हम लोग शेर से मुकाबला करके आते हैं। वुमेन मुकाबला तुझे शेरों के साथ छोड़ा है ना उन्होंने। मामा ने घर से सबको बैठा के समझाया मामा शेरों में शेड नहीं बनना, ध्यान से मौसम रहना है तूने। मामा ने कहा शेरों में शेड नहीं बनना तुम लोगों ने। तीन शेर आए, एक शेर उड़ जाएगा, चार शेर हो जाएंगे। मैं नहीं, कितने शेर हैं हम लोग? बस मैं ही हूँ। इधर के शेरों की जितनी सेहत है ना उससे ज्यादा मेरी है। ये तो सच का है, उससे ज्यादा तो इसकी है।
गाइस अब यहाँ से हम लोग टिकट दूसरी वाली लेते हैं और फिर हम लोग अंदर चलते हैं। गाइस ये है सफारी पार्क, ये है हम और ये हमारी सवारी हो रही है। ये जो आप पीछे लाइन देख रहे हैं ना, ये सारी वो उसकी बस शटर की है। तो मैं पास कहते नहीं मिल रहे, हाँ उसके नहीं मिल रही। अगर वो कह रहे हैं आप लोगों ने लेनी है तो आप लाइन में लग जाएं और ले लें। हमने कहा हम लाइन में नहीं लग सकते, तब हम लोग ट्रैक जा रहे हैं लाइन सफारी। यूट्यूबर्स होने का फायदा, प्रोटोकॉल चलाओ अपना अपना, वो हमने बताया नहीं ना। हमने कहा हम आम आवाम की तरह अंदर जाएंगे, रश लग जाना, ताकि आवाम को पता हो कि यहाँ पे कितनी खुआरी होती है ना। हाँ, हम अपनी आम आवाम की तरह अंदर आना चाहते हैं, ना कि प्रोटोकॉल के साथ। ऐसी बात है ना, तो हम जो है ना अपनी आम आवाम की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। जानवर आ ही नहीं रहे हैं गाइस, ये जानवर है ना, ये जानवर है ना। ये सोल ट्रेंच, इसमें हम लोग अंदर नहीं जा सकते। अगर हम लोग शर्टर में होते तो हम लोग अंदर जा सकते थे। क्या करेंगे यहाँ देख के, मैं इसको ही देखो तो कुछ है। ये तो बकरे हैं, ये तो मंडी में भी देखते ये क्या है, ये बकरे हैं? नहीं हिरन तो नहीं है, वो हिरन थोड़ी है। ये क्या जो भी है, जो भी है बेचारे, बेचारों को कुछ खाने को नहीं देते। ये उन्होंने बनाई हुई सोल्ट रेंज, देख सकते हैं आप लोग। चलो आगे चल के कुछ एक्सप्लोर करते हैं। एक्सप्लोर ही कर रहे हैं कब से, अभी तो हम लोगों ने इतनी आवाम को एक्सप्लोर किया, अब हम आगे जाके जानवरों को एक्सप्लोर करते हैं। वो लाइन सफारी है सामने, तो उधर भी लाइन लगी है रेहान भाई। कोई बात नहीं, अब वहाँ तो जाना है ना। साथ किस्मा को कही थी कि हमें आइसलैंड जाना चाहिए था, जितनी गर्मी है। हम लोगों को किसने कहा था कि हम सफारी आए? तूने? मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो कहा था इसके फेवरेट यूट्यूबर यहाँ पे आए थे, ये तभी इस वजह से इधर आई है। इसके आए थे, मेरे तो नहीं आए थे। मेरा मैं तो अपनी खुद फेवरेट हूँ गाइस, मैं किसी की नहीं वो हूँ, मैं अपने यूट्यूबर की वो हूँ, फैन हूँ मैं, अपने आप की फैन हूँ मैं, अपने भाइयों की फैन हूँ। तो गाइस ये जो लाइन सफारी के अंदर जो गाड़ी जाती है वो है ये गाड़ी के अंदर, जिस तरह वो कैदी नहीं बिठाए हो कैदी नंबर 804 है। टायरों पे भी उसको सेफ्टी लगाई है, शेर खा लेते हैं वो। देख मुझे लगता है वो गाड़ी खराब हुई है, हालांकि उसको शेर पे हमने हमला किया, शेर ने चल ही नहीं रही। वैसे कैसी लॉजिक है, वैसे आवाम कैद है और शेर खुले हैं, बात तो सही है। तो गाइस हमें जो है वो लाइन सफारी की टिकट नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने कहा है क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो लाइन बहुत लंबी है, अब हमें देना बंद कर दिया। हमने वैसे भी गलती की, हम संडे को आ गए, हमें किसी वर्किंग डे में आना चाहिए, कल आ जाते सैटरडे को, कल भी यही हाल हो रहा था। हाँ, तो अब हम लोग को जो मिली है टिकट वो है एक्वेरियम की, अब हम लोग जा रहे हैं एक्वेरियम मछलियाँ देखने। वो देखो रेहान भाई, वो देखे ज़ेब्रा, ठीक है वो आगे चल। गधा है, गधे को रंग किया हुआ है, वो देख आत्मा सामने। मुझे तो लग रहा है हारिस तू ही है, तू इस टाइम यही लग रहा है, तू वो देख तू, नहीं ये इसके लिए तो लग रहा है, इसके कपड़े देख। गाइस ये देखिए कितना फर्मा बरदार है, हमारे साथ साथ चल रहा है, पिश्ती करते का चले साथ साथ। पता नहीं अब हम इसके फर्मा बरदार है या ये हमारा रुक गया वो। गाइस इसका सफर यहाँ तक के साथ, बस यहाँ तक की सफर था, बाय बाय। तो गाइस एक्वेरियम आ गया, अब हम लोग अंदर चलते हैं ध्यान से आगे। Thank you.
फिश है ये देखिए, फायर फिश। ये क्या है? स्टार फिश। नहीं स्टार फिश नहीं है, फायर फिश है। फायर फिश तो नहीं आ रही। गाइस हम लोग एक्वेरियम से बाहर आ चुके हैं और एक्वेरियम का जो हाल है वो आप अपने जुबानी बताएं। जुबानी बताएं। अंदर इतनी स्मेल है, इतनी स्मेल है मछलियों की। इस टाइम जो है ना नहीं चल रहे अंदर, रश हर जगह बहुत ज्यादा है और चिल्लर तीन अंदर लगे हुए लेकिन बेचारे काम करना छोड़ गए। उनके पास जाओ तो बहुत मजे की कूलिंग है। ये कुदरती चिल्लर ज्यादा ठंडा है, ज्यादा सुकून है, बहुत ज्यादा सुकून है। तो अब हम लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोगों ने कहीं और जाना है, हमारे में हिम्मत है या हम लोग बस यहाँ से टाटा बाय बाय होने लगे। अल्लाह करे तू नीचे गिरे फातिमा। चल आगे। चल बस उतर जा। सो गाइस हम लोग सफारी जू से बाहर आ गए हैं और हमारी मत बज गई है। यहाँ पे जो है ना सही जो माहौल है ना वो है कि फैमिली के साथ पिकनिक मनाने आए हैं आप लोग, खाना वगैरह हर चीज़ अपने साथ लेके आए। यहाँ पे खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सही कह रही हूँ? यहाँ पे मेरा जो आपको मशवरा है ना कि यहाँ पे आए ही ना। अगर आना भी पहली गल तो है कि इतने आओ ही ना, जो अगर आओ तो नाल खाना लेके आओ, पानी लेके आए अपना अपना गाइस अपने घर से। यहाँ पे पानी भी नहीं मिलता, यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता और अंदर ना तो टिकट्स मिलती हैं। पानी वाली मैंने देखी थी एक दुकान अंदर। अच्छा वो मैंने नहीं देखी, एक्वेरियम के पास ही थी। यहाँ पे टिकट्स वगैरह लाइन लगती है पहले और लाइन में इतना रश होता है कि वो एक दफा कह देते हैं कि बंद हो गया आप चले जाए यहाँ से, टिकट्स देना ही बंद कर देते हैं। तो अब चलते हैं अपनी गाड़ी में और देखते हैं कि क्या खाएंगे क्या पियेंगे। हमारा खाना आ चुका है और सबसे जल्दी क्या ऐसा वैसे भी देख रहे हैं मौसम तो वो दे देना। सब सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सबने सुबह से कुछ नहीं खाया, से नाश्ता किया हुआ है, रोटी मेरी है। तो अब हम जल्दी से खाना खाते हैं। सो मैं तो घर आते साथ ही मैं सो गया था, अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, लंबा ही सो गया था मैं तो। बहरहाल थक थक के ना बुरा हाल हो गया था, वहाँ पे चलना बहुत ज़्यादा पड़ा है हम लोगों को क्योंकि वहाँ पे जो उनकी शटर सर्विस थी उसकी हमें मतलब टिकट वगैरह नहीं मिली ना, हम अंदर उधर गए हैं लाइन वगैरह के पास, कहीं पे भी नहीं जा सके क्योंकि रश एक बहुत ज़्यादा था और दूसरा मतलब उनका स्टाफ जो था वो एक एक बंदे के आगे उन्होंने बिठाए थे जिसकी वजह से हमें टिकटें वगैरह नहीं मिली और रश की वजह से तो मत बज गई थी। वहाँ पर चलना बहुत ज़्यादा पड़ा है। आप लोग जा सकते हैं लेकिन आप लोग कुछ टाइम बाद जाइएगा जब ये पूरी तरह डेवलप हो जाएगा ज़ू जो है, फिर आप लोग जाएं, फिर आपको मज़ा आएगा। अभी यहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा तो मशवरा यही है। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर ये अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग या प्रैंक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।